किस किस का आंसर आ गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यस सर, आ गया। चैट में लिख दो अपना आंसर। बढ़िया अर्जुन। तो देखो, ये आपका पार्टिकल है। सबसे पहले तो इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? mg, जो कि हमेशा लगता ही है। अगर इसे बैलेंस करना है तो कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगना चाहिए जो कि mg को बैलेंस करे। तो आप कह सकते हो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो इक्वल होना चाहिए mg के, है ना? अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस पे चार्ज दिया गया है -q, समझ आ रहा है? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई, और ये इक्वल होना चाहिए एम जी के। तो ई की वैल्यू आपको मिल गई एम जी बाई क्यू। तो बात आती है डायरेक्शन क्या रखी जाए, डायरेक्शन क्या चूज करेंगे हम। तो आप सोच के देखो, फोर्स आपको चाहिए ऊपर, चार्ज है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, ऊपर या नीचे? नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की नीचे की ओर, डायरेक्शन नीचे। क्या रहती है? ऑपोजिट। तो बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रखनी चाहिए? नीचे, ताकि फोर्स कहाँ लगे? ऊपर, और वो बैलेंस कर पाए किसे? एमजी को। क्लियर हुआ है ना? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग है और उसके ऊपर एक बॉब लटक रहा है, ठीक है? तो बॉब हैज मास एम एंड चार्ज क्यू, ठीक है? तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट स्ट्रिंग मेक्स 37 डिग्री विद वर्टिकल। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा तो सिर्फ एमजी होगा, तो ये सीधा सीधा रहेगा वर्टिकल। हम चाहते हैं वो 37 डिग्री बना ले इस तरह से, और यहां रुका रहे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में होना चाहिए?
आया, बोलो भाई। यस सर। तो आप ऐसा सोच के देखो कि इस समय जब ये 37 डिग्री बना रहा होगा, इस समय नेट फोर्स क्या है भाई, जीरो है। तो जब ये 37 डिग्री बना रहा है और इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो हम देख लेते हैं, ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है ना। नीचे इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। यहां इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम करना है हमें, तो मैं कह सकता हूं बेसिकली ये भी 37 डिग्री हो गया। आप कह सकते हो टी कॉस 37 डिग्री, ये तो बैलेंस करना चाहिए किसको, एम जी को, वर्टिकल में अगर हम करें। और एक कंपोनेंट टी का इधर आएगा, टी साइन 37 डिग्री, तो उसे बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स यहां होना चाहिए एफ। तो मैं कह सकता हूं एफ ये हो जाना चाहिए टी साइन 37 डिग्री। दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो तो मिलेगा टेन 37 डिग्री, ये होना चाहिए एफ बाय एम जी। टेन 37 थ्री बाय फोर हो जाता है, एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/4 एम जी। एफ को हम क्या लिखते हैं, क्यू इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3mg/4q। अरे समझ आया क्या, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत किसी को? तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। चार्ज अगर q आपके पास है तो आप सिंपली क्या कर दोगे, F=q(E) लिख दोगे। कोई दिक्कत, बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए प्रॉपर्टीज एक एक, ठीक है। सबसे पहली चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, जो कि कैसी होती हैं, इमेजिनरी। अब बात यह है, मान लो मैं बोलूं कि इस रीजन में एक चार्ज क्यों रखा गया है, ठीक है ना, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यह हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, इररिस्पेक्टिव आपने उसे किस मीडियम में रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम वगैरह में, या हमें कहीं पे भी शो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जिसे बोला गया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। उन्होंने कहा जब भी आप कोई चार्ज पार्टिकल बनाते हो और उस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है, तो आप उन्हें शो कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ लाइंस, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी रीजन में अगर इस तरह से लाइंस ड्रॉ की गई हैं, तो वो आपको ये बताता है कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या सबको रिप्रेजेंटेशन समझ आया कि हम लाइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? अच्छा, दूसरी चीज, इन्हें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों बोला गया? तो इसलिए बोला गया बिकॉज द टेंजेंशियल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स
ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से ड्रॉ की गई है, ये मैंने इस तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर मान लो मैंने लाके एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस फील्ड की वजह से, क्योंकि जो फॉर्मूला है क्यू इंटू ई, इस फील्ड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको सिर्फ उस फील्ड की डायरेक्शन में टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करके फोर्स बता देना। मान लो आपने चार्ज यहां रखा था, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। तो क्योंकि ये लाइंस किसी भी पॉइंट पर आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन बताती है, इसलिए इनका नाम होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELOF शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। क्या ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। चलो सर, सेकंड वाला पार्ट एक बार फिर से बता सकते हैं, डायग्राम? हाँ, तो डायग्राम ये है बेटा कि किसी भी रीजन में अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की गई है, तो उस फील्ड लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप चूज करो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज की। यानी इस रीजन में, इस पॉइंट पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते, तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा होता, जिसकी वैल्यू कितनी होती, Q into E। बात समझ आई? अब अभी हमने कहा sir, हाँ बोलो सर, कोई भी चीज डिफाइन करते हैं हम जब, तो उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लेते हैं? कन्वेंशन के लिए ले लिया बेटा। ये भी कह सकते थे कि नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट होगी, पर वो फिर अब याद रखने में थोड़ा अजीब सा नहीं है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा, तो पॉजिटिव यूनिट हम लेके चलते हैं, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन है, कैलकुलेशन में वन आप लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना डायरेक्शन पे ना मैग्नीट्यूड पे, है ना, इसलिए जनरली पॉजिटिव वन ले लेते हैं, कन्वेंशन है। ओके चलो, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये भी कन्वेंशन है, क्योंकि ये पूरा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसी कोई असली में लाइन तो दिखती नहीं है स्पेस में, एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी दुनिया में अगर आपको कहीं भी एक लाइन दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई होगी और कहीं ना कहीं नेगेटिव पे जाके खत्म होगी। मान लो हमारी यूनिवर्स में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज ही होता, तो फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हम? तो ओरिजिनेट तो यहां से हो जाती, पर टर्मिनेट कहां होती? अगर दुनिया में सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज ही है, यानी नेगेटिव चार्ज कहां होगा? इन्फिनिटी पर। तो ये कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है, और हम इस तरह से शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, अवे फ्रॉम चार्ज। सर ये जरूरी नहीं है ना कि स्ट्रेट लाइंस हो? अगर दुनिया में एक ही चार्ज है, तो फिर स्ट्रेट बाहर जा रही होगी, ये याद रखना, हमेशा कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है तो स्ट्रेट बाहर जा रही होगी। देखो मैं आगे भी डायग्राम्स बना रहा हूं। मान लो सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, सिर्फ अगर नेगेटिव चार्ज होता, तो फिर ओरिजिनेट कहां से हुई होती? इन्फिनिटी से, और इस पे तो क्या हो रही होती? सिर्फ टर्मिनेट। और मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं हमारे रीजन के अंदर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसे? पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई ओरिजिनेट तो कराएंगे हम पॉजिटिव से, हमेशा अवे, पॉजिटिव से हमेशा दूर जाती हुई, और नेगेटिव पे हमेशा पास आती हुई। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट होंगी,
हाँ, अगर एक आइसोलेटेड चार्ज है, अकेला चार्ज है, तो फिर स्ट्रेट होती है, पर अगर और चार्ज उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो वो कर्व्ड भी हो सकती है। और ये चीज रट लेना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन हमेशा उससे दूर जाती हुई ड्रॉ की जाती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके पास आती हुई ड्रॉ की जाती है। क्लियर हो रहा है क्या? बोलो भाई। मान लो दो पॉजिटिव होते तो डायग्राम कैसा दिखता? देखो आप, तो ओरिजिनेट ही हो सकती है और टर्मिनेट क्या हुआ? कुछ इस तरह का डायग्राम होता, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी से आपको और चीजें पता चलेंगी। अभी बस इतना याद रखो कि पॉजिटिव से दूर जाती हुई और नेगेटिव के पास आती हुई। क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच अदर एंड नेवर एग्जिस्ट या नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं सब ने? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या बनाती है? लूप बनाती है कि नहीं? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुस जाती है मैग्नेट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको याद रखना है कि कभी भी ये दो फील्ड लाइंस टकरा नहीं सकती। कोई बताएगा क्यों नहीं टकरा सकती? एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट्स बनेंगे, दो अलग अलग फोर्सेस नहीं होते। कभी भी ये अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर दो नेट फोर्स की डायरेक्शन आ जाएंगी, जिसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये चीज नहीं होती। समझ आई बात? कभी भी ये क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और कभी भी ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। याद रहेगा सब? बोलो भाई। यस यस सर। चलो अगला पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, चार बना दी, पांच बना दी, दस बना दी। इसका सिग्निफिकेंस होता है। मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज लिया है मैंने यहाँ पे Q2 और मैं इस तरह से उनकी फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप बता सकते हो डायग्राम देख के? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड लाइन उससे दूर जा रही है। Q2 कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइन उसके पास आ रही है ना? तो ये जो फील्ड लाइन ड्रॉ की है, ये आपको एक और चीज का आइडिया देती है कि Q1/Q2 सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन, 4/6। इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो इनके साथ ड्रॉ की गई लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। जिस चार्ज के लिए ज्यादा लाइंस उससे एसोसिएटेड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसके लिए कम है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई Q2 का चार्ज Q1 से क्या है, ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। नेचर तो हम समझ ही गए, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, तो तुम्हें भी समझ आ रहा होगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी पे चले। अगली है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज टू ईच अदर रिप्रेजेंट
हायर इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मतलब है? ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट। अगर किसी रीजन में मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की गई है और यहां दो पॉइंट्स हैं, यहां एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पॉइंट पे ज्यादा है, बी पॉइंट पे ज्यादा है, या दोनों में बराबर है, तो यहां आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट ए ये ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट बी से, क्योंकि ए पर फील्ड लाइंस क्या हैं, पास पास है। जहां फील्ड लाइन पास पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ज्यादा होगा। याद रहेगा फील्ड लाइंस पास यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है, दूर दूर यानी कि उसके कंपैरिजन में कम है। कोई समस्या इस पॉइंट में? बोलो भाई। नहीं। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब पता लगेगा किसने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्या मतलब है भाई इसका, बताओ। कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे ना वर्क पावर एनर्जी में, वहां का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर क्या मतलब है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मैग्नेटिज्म में एक बार आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, वहां कुछ चीजें बदलेंगी, अब इसको रट लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, किसी को याद नहीं है? वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज जीरो, या वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अरे याद आ रहा होगा कुछ तो, अब तो याद आ रहा होगा। यस सर, पाथ इंडिपेंडेंट याद है। पाथ इंडिपेंडेंट और याद दिलाना है तो देखो मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा सब। लेकिन आपने तो पहले बताया कि इट्स क्लोज्ड लूप। हाँ नहीं बनाते ना, नहीं नहीं वर्क डन की बात है यहाँ। तो मान लो एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ई, ठीक है ना, और आप एक चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हो तो फोर्स तो लग रहा होगा क्यू इन टू ई। अब आप इस रास्ते से लेके जाओ, आप इस रास्ते से लेके जाओ, या आप इस रास्ते से लेके जाओ, इसमें वर्क अगर डब्ल्यू वन हुआ है, इसमें वर्क डब्ल्यू टू हुआ है, इसमें वर्क डब्ल्यू थ्री हुआ है, तो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू थ्री, पाथ से इंडिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, चार्ज फिक्स है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो। वर्क डन तीनों ही केसेस या जितने भी केसेस हो सब में क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, जबकि फ्रिक्शन का डिपेंड कर जाता है पाथ के ऊपर। याद अगर आपको आए, फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि ग्रेविटी में ऐसा होता था वो कंजर्वेटिव है, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था वर्क डन। अरे याद आ रहा है। यस सर, और समझाने की जरूरत इस पॉइंट को? चलो अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमने किसमें देखा था, फोर्स में भी देखा था, है कि नहीं? फोर्स में भी देखा था हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या आ जाता है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पॉइंट पे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर E1, E2, E3, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हो। यानी नेट फील्ड इज द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स। याद रहेगा?
बोलो भाई, 10 मिनट में शायद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोग एक बार फिर से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? कोई डाउट इस पॉइंट के अंदर किसी को? नो सर। चलो तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं। उन्हें लाइंस ऑफ फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन देती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इन्फिनिटी तक जाती हैं। दो फील्ड लाइन्स कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फील्ड लाइन्स पास पास हों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है यानी कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, याद रहेगा। बोलो भाई, कोई डाउट किसी भी प्रॉपर्टी में? यस सर। चलो तो देख लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन मैकेनिक्स का मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से करना, ठीक है? तो मान लो कि हमारे पास यहां पर एक 10 kg का ब्लॉक है, यहां पे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ये आपका 0.1 है, ठीक। और यहां रीजन में या इसके ऊपर चार्ज मान लो कि हमें दिया गया है 2 कूलम। रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से ई, और ये एंगल है आपका 37 डिग्री। तो पूछा जा रहा है ई मिनिमम सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग। बचपन का सवाल है एकदम, एफबीडी बनाओ, एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा बस क्यू इंटू ई वाला, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। लिखो भाई, लिखो चैट में आंसर लिखो।
सिर्फ अर्जुन का ही आंसर आया, और लोग क्या कर रहे हो? इतना इजी क्वेश्चन है। सर आपको भेजा है। ओके आपको भेजा है। हाँ देखा मैंने, सृष्टि का भी आ गया। और बताओ और कोई आंसर? दोनों का डिफरेंट है, पर देखते हैं किसका सही है। तो एफबीडी बनाना है, बचपन में ही सिखाया गया था। सबसे पहले एमजी बनाया जाता है, वो हो गया 100 न्यूटन, है कि नहीं? उसके बाद फोर्स बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन, कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसकी वजह से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक फोर्स आएगा भाई, कितना? क्यू इंटू ई। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और टू कूलम चार्ज है, तो एक फोर्स ऐसे आ गया 2 into E, और ये एंगल हो गया आपका 37 डिग्री। ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहां लगेगा रोक के रखने के लिए, जिसकी वैल्यू μ into N होगी। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हमने बाहर से लगाया है, इसके कंपोनेंट्स ले लें तो यहां आ जाएगा 2E cos 37 डिग्री, यानी कि 4/5, यानी 8E/5, और 2E sin 37 डिग्री, यानी कि 6E/5। बैलेंस कर दो, वाई डायरेक्शन में n प्लस 6E/5 ये होना चाहिए 100, और एक्स डायरेक्शन में f यानी कि μ into N ये इक्वल होना चाहिए 8E/5। पुट कर देते हैं, म्यू की वैल्यू 0.1, नॉर्मल की वैल्यू 100 - 6E/5, ये होना चाहिए भाई 8E/5, ठीक है ना? ये मिल जाएगा आपको 100 = 16E + 6E/5, ठीक है ना? तो E की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 500/86। बताओ सही किया है क्या मैंने, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है? बोलो, बस क्या किया है, एक फोर्स Q into E हमने बढ़ा दिया था। चेक करो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? अरे अब तो समझ आया होगा। यस सर, समझ आ गया। जो गलती की थी वो भी समझ आ गई होगी, है ना? चलो मीटिंग एंड हो रही है, तो वापस से रिजॉइन करना सेम आईडी सेम पासवर्ड से, ठीक है? अभी मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप।